फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट बड। जो आज की रेसिपी है वो है विंटर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड बहुत पसंदीदा टमाटो सूप। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे इजी तरीके से बिना ब्लांच किए डिफरेंट वे से हम टमाटो सूप बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने पहले बताया है कि आज की रेसिपी जो है रोस्टेड टमाटो सूप की, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जो हम ब्लांच करके बनाते हैं, वो मैं आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस बताऊंगी। बट ये जो सूप है एकदम वैसा मिलेगा जैसे हम रेस्टोरेंट में पीते हैं, खट्टा, थोड़ा सा हल्का सा बीच में मीठापन आता है। तो एकदम वैसे टेस्ट के लिए, थोड़ा तंदूरी टेस्ट के लिए, हम पहले टमाटर को वायर मैश में डाल के रोस्ट करेंगे एंड साइड पलटते जाएंगे टमाटर की। और हमें एकदम काला नहीं करना है, हल्का हल्का उनको रोस्ट करना है। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस छिलका उतर भी रहा है, इट इज़ ओके, क्योंकि हमें फाइनली छिलका उतारना ही है। आप देखिए, मैंने साइड्स पलट पलट के इनको रोस्ट कर लिया है। अब ये हमारे रोस्ट हो गए हैं तो मैं एक बाउल में पानी डाल दूंगी, बिकॉज ठंडा है मौसम तो नॉर्मल पानी लिया, अगर गर्मियाँ हुई तो आप ठंडा पानी लीजिए। एंड फिर हम ये टमाटर उसमें डाल देंगे। अब ये बाउल में पानी है, मैं इसमें टमाटर डालूंगी। एंड जब हम पानी में टमाटर डालेंगे तो ये जो छिलका है वो उतर जाएगा। अगर नहीं उतरता आप हाथ से उतार दीजिए। मैंने सारा छिलका उतार दिया है। अब हम ये टमाटर को काटेंगे बारीक बारीक। आप एक ध्यान रखिए, जब भी आप टमाटर ले सूप के लिए तो वो बहुत ढीले नहीं होने चाहिए, थोड़े टाइट होने चाहिए। क्योंकि अगर वो बहुत ढीले होंगे तो जब हम उन्हें काटेंगे तो उसका सारा जो भी रसा है वो निकल जाएगा और टमाटर सूप का जो कलर होता है वो वैसा नहीं आएगा जैसा होना चाहिए। अब मैंने टमाटर काट लिए हैं तो मैं कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई को गरम करेंगे, इसमें थोड़ा मैं बटर डालूँगी, अराउंड 2 टेबलस्पून मैं बटर डालूँगी। एंड 4 लहसुन की तुरी मैंने बारीक बारीक काटी और 1/2 इंच अदरक काटा है वो मैं इसमें डालूंगी और उसको रोस्ट करूंगी। हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट करना है जब तक कि बटर भी मेल्ट हो जाएगा। अब जब ये रोस्ट हो गया तो हम इसमें जो टमाटर काटे हैं वो डालेंगे। थोड़ा सा टमाटर में नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून के अराउंड। एंड इसको मिक्स करेंगे एंड टमाटर को सॉटे करेंगे जब तक टमाटर पूरे अच्छे से मैश ना हो जाए। अब जब हमारे टमाटर हो गए अराउंड 90%, तो हम इसमें वाइट पेपर डालेंगे, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून मैंने वाइट पेपर पाउडर डाला। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अब ये जब हमारे टमाटर पूरे हो गए तो हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। आपको लग रहा होगा टमाटर तो अलग से हो रहे हैं, ये सूप में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हम बाद में सूप को अच्छे से ब्लेंड करेंगे बट पहले बॉयल आने देंगे। अब जब हमारे टमाटो सूप में बॉयल आ गए हैं 2-3, तो हम इसमें 5 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। 5 मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 5 टमाटर लिए। अगर आप 4 लेंगे तो आप 4 टेबलस्पून चीनी डालिए। तो ये आप हिसाब रखिए, जितने टमाटर उतनी चीनी, बिकॉज हमें इसमें वैसा ही खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए जैसे हमें रेस्टोरेंट में मिलता है, इसलिए हम शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं। एंड अब जब 2 बॉयल आएंगे फिर हम इसके बाद 3 टेबलस्पून टमाटो केचप डालेंगे। अगर आप टमाटो केचप नहीं लाइक करते तो आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, बिकॉज जो टमाटर होते हैं उनका रंग कंसिस्टेंटली नहीं आता है, ऑरेंज ऐसा आता है, तो उसमें वो कंसिस्टेंट कलर देने के लिए हम बेसिकली टमाटो केचप या टमाटो प्यूरी डालते हैं।
अब जब इसमें बॉईल आ गया है, मैं इसमें 3 टेबलस्पून टमाटो केचप डालूंगी। अब हम सूप में बॉईल आने देंगे एंड जब सूप में 2-3 बॉईल आ जाएंगे फिर हम गैस को बंद कर देंगे, सूप को ठंडा करेंगे और इसमें ब्लेंडर मारेंगे कि एक इवन कंसिस्टेंसी आ जाए, क्योंकि अभी जो सूप है उसमें कंसिस्टेंट इवन नहीं है। अब मैंने इसमें ब्लेंडर डाल दिया है, आप देखिए कंसिस्टेंसी इवन हो गई है, बट अभी इसमें कुछ बीज हो सकते हैं, कुछ पार्ट हो सकता है टमाटर का जो पीसा ना हो, इसलिए मैं छन्नी से इसे छान लूंगी। आप चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने छन्नी ली है और मैं ये सूप इसमें छान लूंगी। हमारा बस इतना सा पोर्शन है जो डिस्कार्ड वाला है, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। और अब आप देखिए हमारी जो सूप है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इवन हो गई है, क्योंकि इसमें कुछ भी अब ऐसा नहीं है, बट सूप अभी पतला है तो हम इसमें थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। जब तक सूप होता है हम ब्रेड क्रम्स भी बना लेते हैं। तो मैं एक पैन लूंगी, उसमें बटर डालूंगी। अब मैंने पैन लिया है, मैं इसमें बटर डाल के ब्रेड को टोस्ट कर रही हूँ। आप चाहे घी या बिना घी या बटर के भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। मैंने ब्रेड के ये साइज काटे हैं, आप चाहे इससे छोटा या बड़ा, एज पर योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आप इसे काट सकते हैं। मैं इसे गोल्डन कर लूँगी, क्रिस्पी। अगर आपको कम टोस्टेड पसंद है तो आप कम भी रख सकते हैं। एंड अब आप देखिए जो हमारा सूप है वो अभी भी पतला है, तो इसमें हम कॉर्नफ्लावर लेंगे 2 टेबलस्पून एंड थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसकी स्लरी बना के इसमें डालेंगे सो दैट जो सूप है उसकी कंसिस्टेंसी इवन हो जाए एंड मिक्स कर लेंगे एंड 2 बॉयल आने देंगे। और ये मेरे ब्रेड भी टोस्ट हो गए हैं और मेरा जो सूप है वो भी सही हो गया है, तो अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। उससे पहले मैं क्रीम डाल रही हूँ, बट आप जब भी क्रीम डालें तो जो टेम्परेचर होना चाहिए क्रीम का वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो क्रीम फट जाएगी। और जैसे आप क्रीम डालें आप गैस बंद कर दीजिए, ना तो वो फिर भी फट सकते क्योंकि ये प्योर टमाटो है। Now the soup is ready and मैं इसे finally ऊपर थोड़ी सी क्रीम डालूंगी। अगर आपको क्रीम ऊपर पसंद ना हो तो आप इसको skip भी कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। आपका perfect tangy tomato soup is ready। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते ये perfect वैसा ही बना है। Do try and let me know in the comment section ये आपको कैसा लगा। And if you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell notification button to be notified whenever I post a new video. Thank you and keep loving Taste Buddy.